दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और संविलियन के पश्चात वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की मांग की। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए आदेश को लेकर धरने पर है। इन शिक्षकों का मानना है कि शिक्षा विभाग में संविलियन के पूर्व जो नियम और शर्तें वरिष्ठता से रखी गई थी, उसका पालन नहीं होने से सैकड़ों शिक्षक पदोन्नति से वंचित है। इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टप्पो ने इंडियन न्यूज से चर्चा करते हुए शिक्षकों को हो रही समस्या की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। जी सर, जी हाँ जी सर, हम लोग ये शिक्षा विभाग से हैं और हम सब की मांग ये है सर, जब अभी पदोन्नति प्रक्रिया हमारे शिक्षा विभाग में जारी है, जिसमें आज लगभग 25,000 से अधिक की संख्या में शिक्षक साथियों को जो वरिष्ठता के कारण बाहर कर दिया गया है पदोन्नति प्रक्रिया से, और उसका सिर्फ कारण ये है कि हमने संविलियन के पहले और संविलियन के बाद दोनों स्थिति में हमने ट्रांसफ़र लिया था, और जब हमारी वरिष्ठता की गणना आज किया जा रहा है तो जब हमने ट्रांसफर लिया था और ट्रांसफर के दौरान जो हमने कार्यभार ग्रहण किया उस तिथि से आज वरिष्ठता की गणना की जा रही है, जिसके कारण आज इतने सारे संख्या में हमारे शिक्षक भाई, हमारी बहनें वरिष्ठता से बाहर हो गए हैं और पदोन्नति से वंचित हो गए हैं सर जी। और इसमें सर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जैसे शिक्षा विभाग में हमारा जब संविलियन हुआ, शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी हुआ, और जिसमें गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनकी वरिष्ठता की गणना शिक्षा विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाए। लेकिन अब के समय में जब वरिष्ठता की गणना हमारी जब की जा रही है तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप न करते हुए पंचायत विभाग के जो निर्देश थे, पंचायत विभाग में जो नियम थे, उसके अनुरूप हमारी वरिष्ठता की गणना की जा रही है, जिसके कारण आज हमारी ये स्थिति हुई सर जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।